लता मंगेशकर सुरों की रानी भारत देश के खास रत्नों में से एक हैं। लता जी देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज की वजह से जानी जाती हैं। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने सबसे ज्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पर मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोज के लिए। अर्ली लाइफ। लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थीं। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थीं। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्दी समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। इनिशियल कैरियर। लता जी ने मात्र 5 साल की उम्र में पहला काम अपने पिता के एक नाटक में किया था। इसके बाद वे ट्रेनिंग लेती रही और 13 साल की उम्र में 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म रिलीज हुई लेकिन किसी कारणवश फिल्म में गाना हटा दिया गया। इस बात से लता जी बहुत आहत हुईं। इस साल लता जी के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। लता जी अपने घर में सब भाई बहनों में बड़ी थी, तो सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। विनायक दामोदर एक फिल्म कंपनी के मालिक थे जो दीनानाथ जी के अच्छे मित्र थे। उनके जाने के बाद उन्होंने लता जी के परिवार को संभाला। 1945 में लता जी मुंबई आ गईं और अमानत अली खान से ट्रेनिंग लेने लगीं। लता जी ने 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए भी एक गाना गाया, लेकिन किसी ने उनको नोटिस नहीं किया। उस समय गायिका नूरजहान, शमशाद बेगम, जोहन भाई अंबलेवाली का दबाव था। बस यही गायिका पूर्ण रूप से सक्रिय थीं। उनकी आवाज़ भारी व अलग थी। उनके सामने लता जी की आवाज़ काफ़ी पतली और दबी हुई लगती थी। 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने गाए और सब में उनको नोटिस किया गया, और वो फिल्में थीं बरसात, दुलारी, अंदाज व महल। महल फिल्मों में हिट थी। इसमें से महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुपर हिट हुआ और लता जी ने अपने पैर हिंदी सिनेमा में जमा लिए। उसके बाद फिल्मी कैरियर। लता जी ने लगभग सभी बड़े निर्माता निर्देशक के साथ काम किया है। पहले वे नूरजहान की तरह गाने की कोशिश करती थी, लेकिन समय के साथ लता जी ने अपनी आवाज में पहचान पा ली। लता जी ने नौशाद अली, अनिल विश्वास, मदन मोहन, एचडी बर्मन, शंकर जयकिशन जैसे महान म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। लता जी के आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री का मेकओवर हो गया था। फिल्मों में गानों को नयापन मिला। 1950 के दशक में लता जी की छोटी बहन आशा जी भी फिल्म दुनिया में आ गईं। दोनों बहनों की आवाज़ में बहुत अंतर था, लेकिन एक ही जगह काम करने के कारण दोनों के बीच तुलना बहुत की जाती थी, लेकिन काम को दोनों बहनों ने अपने रिश्ते से बीच नहीं आने दिया। लता जी ने फेमस गायक मोहम्मद रफ़ी, मुकेश व किशोर जी के साथ ढेरों गाने गाए। लता जी का गायकी को लेकर लालसा देखते ही बनती थी। मोहम्मद रफ़ी व एचडी बर्मन के साथ कुछ अनबन के चलते लता जी ने इनके साथ काम करने को मना कर दिया। रफ़ी के साथ उनके मनमुटाव को संगीतकार जयकिशन ने ठीक किया था, लेकिन बर्मन के साथ उनके रिश्ते नहीं ठीक हुए और 1972 के बाद से दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। डेथ। 6 फरवरी 2022 को मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में
स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली। तो ये थी लता जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।